तो यार वो कैसे हो? जैसे हम सब जानते हैं, काफी सारे ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं मार्वल्स के, और 2021 में मार्वल्स लिटरली तबाही मचाने वाला है। आज खुश तो बात हो गई था। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, फैल्कन और विंटर सोल्जर की मूवी का, क्योंकि एंड गेम में कैप्टन ने शील्ड फैल्कन को पकड़ा दी थी। पर आधे से ज्यादा फैंस यही सोच रहे थे कि क्यों फैल्कन ही क्यों, मतलब ओके मे बी वो डिजर्विंग होगा, बट फैल्कन के कैरेक्टर में उतना दम नहीं है या फिर उसे अच्छे से नहीं दिखाया गया कभी शायद, जैसे ब्लैक पैंथर, आयरन मैन, हल्क सब पर मूवी बनी। बट फैल्कन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि हाँ कैप्टन ने उसे अपनी शील्ड थमा तो कम से कम उस बेचारे के कैरेक्टर को थोड़ा अच्छे से डेवलप कर देते। वैसे मैं दिल से चाहता था कि शील्ड बकी को मिल जाए, इतना सुपर्ब लगता ना। खैर छोड़ो, बट अब जो ये सीरीज आ रही है ना, इसमें फैल्कन के कैरेक्टर को काफी अच्छे से बिल्डअप किया है और बकी ने तो भाई एकदम नए लुक में एंट्री मारी है। वैसे स्टोरी का तो कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लगा क्योंकि मेन फोकस बस इन दो कैरेक्टर्स पर दिया गया है। ऑब्वियसली कैप्टन, विडो और आयरन मैन की डेथ के बाद मार्वल्स को अपने हर एक कैरेक्टर पर जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, एंड बाकी तो अब नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा कि कितनी मेहनत की गई है। एक और बात जो मुझे काफी अजीब लगी, यार पूरे ट्रेलर में मुझे ना फैल्कन के हाथ में कैप्टन की शील्ड नहीं दिखी। इसके दो मतलब हो सकते हैं कि या तो मार्वल ने जस्ट ऑडियंस को हाइप अप करने के लिए फैल्कन के हाथ में शील्ड नहीं दिखाई ताकि फैंस सोचते रहे कि इसका क्या मतलब हो सकता है, अगर फैल्कन के पास शील्ड है तो यूज क्यों नहीं कर रहा। एंड दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, मे बी फैल्कन खुद कैप्टन की शील्ड ना यूज करे और कहीं हमें इस सीरीज के एंड तक कोई नया कैप्टन अमेरिका मिल जाए तो यू नेवर नो क्या होने वाला। अब बात कर लेते हैं वैंडा विजन की। यार वो फर्स्ट ट्रेलर और सेकंड ट्रेलर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, बस बहुत माइनर से डिफरेंसेस थे। देखो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा इस सीरीज में, मैं लिटरली अगर अपने मन की बात बताऊं तो, बट ये मानने वाली बात है कि वांडा जैसा कैरेक्टर और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मेरे हिसाब से अगर वांडा को एज अ विलन देखे ना तो यार मूवी में एक अलग ही लेवल की तबाही देखने को मिलेगी। बट फिलहाल जो सीरीज आ रही है उस पर बात कर लेते हैं। यार वो सीरीज में वांडा और विजन ना अपनी एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी हीरो वाली लाइफ को छोड़कर ना एक आम जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। बट सब जानते हैं कि जब भी कोई हीरो ऐसे रिटायर होने की कोशिश करता है ना तो फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है जिसकी वजह से उन्हें ये रिटायरमेंट प्लान कैंसिल करना पड़ता है। एंड इस सीरीज में भी कुछ वैसा ही देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं सबसे मस्तीखोर और चालाक कैरेक्टर की। हाँ दोस्तों, लोकी के कैरेक्टर पर भी सीरीज बन रही है एंड लिटरली ये कुछ अलग और हटकर होगा जिसे देखने में सच में मजा आने वाला है, क्योंकि यार लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है ना जिसे जितना ज्यादा दिखाएं उतना कम लगता है। आई डोंट नो वाई, बट लोकी के कैरेक्टर को कभी उतना रेज नहीं किया गया। आई थिंक अब मार्वल्स लोकी, वैंडा, विजन, फैल्कन और बकी ऐसे कैरेक्टर्स जो खास हैं पर उन्हें उतनी अहमियत नहीं मिली, इसीलिए अब उन सब कैरेक्टर्स पर सीरीज बन रही है। और हाँ, लोकी के इस सीरीज के ट्रेलर से बहुत माइनर माइनर डिटेल्स मिलती हैं जिनसे पूरी स्टोरी को समझना तो मुश्किल है, बट या इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि लोकी किसी और टाइम में चला गया है, मे बी किसी और यूनिवर्स या प्लैनेट पर। क्योंकि एक सीन में लोकी एक बंदे से पूछता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, एंड वो कहता है आई डोंट नो, टाइम हियर पासेस डिफरेंटली। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? आई डोंट नो, इट्स हार्ड टू से, यू नो, टाइम पासेस डिफरेंटली हियर इन द टीवीए। व्हाट डस दैट मीन? यू कैच अप। भाई साहब, ये सुनते ही ना मेरा इंटरेस्ट का लेवल एकदम ऊपर चला गया। मार्वल्स अब टाइम और मे बी मल्टीवर्स वाली चीजें ना करना शुरू कर चुका है, तो ये ट्रेलर देखकर तो इतना पक्का है कि कुछ जबरदस्ती देखने को मिलने वाला है इस सीरीज में। Come on. What did you expect? दोस्तों अब मैं जिस कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ ना, भाई साहब उस कैरेक्टर को मूवी या सीरीज में देखने के लिए आधी से ज्यादा जनता बेताब थी। अगर आपने उसकी कॉमिक्स पढ़ी हैं तो मिस मार्वल। यार मिस मार्वल की फर्स्ट अपीयरेंस हमें 1977 में देखने को मिली थी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जब कैप्टन मार्वल है ही पहले से तो ये मिस मार्वल क्या नया होगा। अब ये सुन लो यार, कैप्टन मार्वल का जो कैरेक्टर है ना उसको मिस मार्वल से ही उठाया गया, बट कॉमिक की दुनिया में मिस मार्वल बहुत हिट थी। एंड सब जानते हैं कि कैप्टन मार्वल की मूवी जब बनी थी तो लोगों ने उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया, बिकॉज मिस मार्वल यार एक्चुअल में एक टीनेज लड़की का कैरेक्टर था जो बहुत जॉली और फ्रेंडली नेचर की है, बट कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर इन्होंने एकदम बोल्ड और खतरनाक दिखा दिया। क्या पता मिस मार्वल कैप्टन मार्वल का बचपन ही होना तो ऐसा ही कुछ चाहिए, बट जो भी होगा वो एपिक ही होगा एंड काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, ये तो पक्का है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। What is love?